हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 4 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और रेड फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून बटर डाला है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसका सारा वाटर जो है हमें ड्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हमने एक जाली रख लिया है, उस पर चिकन के पीसेस रख देंगे। सारे पीसेस को अरेंज कर ले। अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर ग्रिल कर ले। इसकी साइडों को चेंज कर ले। देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज की पेस्ट ली है, वो ऐड कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। यहाँ मैंने 4 टमाटर की प्यूरी कर ली है, वो ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिनमें है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और पिंच ऑफ रेड फूड कलर है। इन सारे मसालों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने दूध की मलाई ली है 1 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया है, उसे क्रश करके डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर हमें 7 मिनट के लिए कुक कर लेना है। देखिए यहाँ पर मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आने लगेगा तब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता लिया है 2 टेबलस्पून, उसे ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।